हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। देखिए, हमने बोला था कि आप क्लास 12 का वीडियो प्रोवाइड करेंगे हम आपके सामने। आज ये चैप्टर नंबर 2, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन। यह पार्ट 1 है। जैसे हमने क्लास 10 के लिए पार्ट 14 तक डिस्कस किया था, उसी तरीके से हम इसमें भी डिटेल में जानेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम समझ आ रहा है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिखा है। तो पहले तो हम चैप्टर पर जाएंगे, ऐसा है नहीं कि चैप्टर है हम चैप्टर पढ़े ना। और देखिए, अगर हम बात करें इस चैप्टर के बारे में, तो ये चैप्टर ना बहुत ईजी है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, अगर हम थोड़ा सा फॉर्मूला सीख लेंगे, और यह एक ऐसा चैप्टर है ना कि अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम आसानी से वैल्यू पुट करेंगे और आंसर पा लेंगे। देखिए, आप आएगा आने वाला समय में ये पता चलेगा कि वाकई में केवल फॉर्मूला रखेंगे वो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अगर हम बात करें तो ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, लाइक दैट NDA हो गया, AA हो गया, NAVY AA, SSR, या फिर बोल सकते हैं कि ये जो IIT लेवल का जो है नीट एग्जाम है, NIT है, इन सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि अभी हम आप लोग BSc भी एग्जाम या फिर अदर बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उसमें भी यह एग्जाम में कम से कम 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो इससे आना ही आना होता है। तो हम समझ सकते हैं ना यह चैप्टर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक नंबर जुटाना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये तो बात तो है 8 नंबर का, तो समझ सकते हैं कि यह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम जानते हैं पहले इस चैप्टर के कुछ बेसिक बातें, फिर हम आएंगे इस चैप्टर में। तो इसमें लिखा गया है इनवर्स ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब बात यहाँ पर आता है, पहले हम उल्टा चलते हैं, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं ना दोस्त की फलन क्या होता है। हम जानते हैं पहला काम की फलन क्या होता है, हम किसको फलन बोलते हैं, और इस फंक्शन हम किसको फंक्शन कहेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें तो अपने क्लास 11th में पढ़ा होगा फंक्शन, पर हम फिर भी थोड़ा सा बेसिक लेकर के चलेंगे, क्योंकि जब तक आप लोगों का बेसिक फंडा क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप लोग बना नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट देना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, फंक्शन बेसिकली एक नियम होता है, और एक ऐसा नियम होता है जिसको किसी रूल के अनुसार रखने पर कोई वैल्यू प्राप्त होता है। समझाई बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? कहना यह चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए y = x + 2 लिख दिया हमने, तो अगर हम x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो y की खुद ब खुद डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी ना। तो यही तो होता है फंक्शन। फंक्शन एक नियम होता है जो एक रखने पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हमें प्राप्त होता है। देखिएगा, जैसे इसको हम देखेंगे, अगर हम इस तरीके का समझे ग्राफ के थ्रू, तो अगर हम x की वैल्यू, अगर हम इसको मान लेते हैं a, सेट a, और इसको सेट b मान लेते हैं, ठीक है। और सपोज इससे इसमें एक फलन है, इसका नाम दे देते हैं fx, ठीक है। इसको हम fx लिख सकते हैं, और fx = y = x + 2, ठीक है। अगर हम एक रखें, x = 1 रखेंगे तो y हमें खुद ब खुद 3 मिलेगा, x = 2 रखेंगे तो y हमें कितना मिलेगा, 4, 3 रखेंगे तो 5, यानी कि देखिए ना, यह इसके साथ कनेक्टेड है। और आपको पता होगा जब आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, या इसके साथ कनेक्ट हो गया, या इसके साथ कनेक्टेड हो गया, मतलब एक वैल्यू रखने पर दूसरी वैल्यू हमें मिल रहा है, तो ये फलन हो गया। फलन का मीनिंग समझ आया। अब देखिए, एक बात आपको बता रहे हैं, फलन के लिए कुछ शर्त होता है, फलन के लिए ना कुछ शर्त दिया होता है कि हम हर एक स्थिति में नहीं कहेंगे ना कि एक फंक्शन है। इस स्थिति में यह तो फंक्शन है, बट क्या हम समझेंगे क्या क्या अलग अलग परिस्थितियों में यह फंक्शन होना संभव है या फिर नहीं है। कहने का मीनिंग क्या है दोस्त, ध्यान से देखिएगा। देखिए, फलन के लिए दो शर्त है, मतलब कोई भी चीज अगर जो सेट ए लिखा होगा, सेट बी लिखा होगा, इस तरीके का, सपोज इस तरीके से हमने ना सेट ए और सेट बी इस तरफ से लिख दिया, इधर लिख दिया ए बी सी डी ई, ठीक है, इधर लिख दिया एफ जी H, I, Z और K, इतना लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ना इसको हमने नाम दे दिया A और इसका नाम हमने दे दिया B। सपोज ये इसके साथ कनेक्टेड है एक नियम के अनुसार, जिस नियम कहने का मतलब है कि A रखने पर ये मिल रहा है, B रखने पर ये मिलेगा, है ना। एक नियम के अनुसार हमने इसको कनेक्ट करा दिया।
और हमें ये पता चला कि ए इफ सपोज किसी नियम के अनुसार रखा ना, तो हमें ये मालूम चला कि जो ए रखने पर हमें एफ मिला, ठीक है। हमें ये पता चला कि बी रखने पर जी मिला, ठीक है। हमें ये पता चला सी रखने पर एच मिला, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। और हमें ये पता चला ना कि डी जब हमने रखा डी, तो सपोज वो एच मिला और ये रखने पर जे मिला। तो ऐसे में हम ये जानेंगे, या फिर एक केस समझिए, तो ये हमने केस फर्स्ट लिखा है, केस फर्स्ट। और भी हम केस लिखते हैं, सपोज केस टू लिख देते हैं, मतलब जानेंगे कि कब फंक्शन कहेंगे कब फंक्शन नहीं कहेंगे। उसके बाद हम डिटेल हम कह रहे ना, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फंक्शन जान रहे हैं, फिर प्रतिलोम जानेंगे, फिर त्रिकोणमितीय फलन जानेंगे, ठीक है। तो अब हम जानते हैं ये केस टू कहने का मीनिंग क्या है। केस टू जैसे इसमें भी देखिए, ए बी सी डी इधर ई एफ जी एच है, ठीक है। तो सपोज ये इसके साथ कनेक्टेड है, या भी और या इसके साथ कनेक्टेड, या इसके साथ, या इसके साथ कनेक्टेड है। केस थ्री में देखिए क्या हो रहा है। केस थ्री में सपोज कीजिए ना, ये ए बी सी डी है और ये ई एफ जी एच है, हुआ या इसके साथ कनेक्टेड तो है, या इसके साथ कनेक्टेड है और या इसके साथ कनेक्टेड है, लेकिन ये जो है ना इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। तो अब हमें ये जानना है कि किसको हम फंक्शन कहेंगे और किसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे। तो देखिए, हम इसको ये बातें बताएंगे कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है, पर फंक्शन के दो शर्त है। दो शर्त अगर फुलफिल हो रहा है तो हम कहेंगे कि दिस इज फंक्शन, अगर नहीं हो रहा दिस इज नॉट फंक्शन। तो हम जानते हैं कि क्या कब शर्त क्या क्या है। देखिए दो शर्त है। पहला शर्त यह होता है कि जितना भी सेट ए का एलिमेंट्स है, जितना भी, वह सेट बी के साथ किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड हो, हर हाल में कनेक्टेड होना चाहिए हमेशा, और एक कनेक्टेड होना चाहिए, यानी कि सेट ए का सब एलिमेंट इसके एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। तो देखिए कहीं पर गैप दिखाई दे रहा है, यस यहां दिखाई दे रहा है। तो आप अपने से ही सोचिए कि अगर यह गैप दिखाई दे रहा है तो क्या यह फंक्शन हुआ, नहीं ना हुआ। तो हमें ये बात तो पता चल गया कि एक फंक्शन नहीं। अब क्यों नहीं है ये आपको पता है, क्यों? क्योंकि सारा का सारा एलिमेंट्स कनेक्टेड होनी चाहिए, नहीं है संभव नहीं है कि वो फंक्शन होगा। दूसरा शर्त क्या कहता है दोस्त, देखिए दूसरा शर्त यह कहता है कि पहला का पहला, मतलब इसमें का प्रत्येक एलिमेंट इसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए। अब हाँ देखिए, यहाँ पर कनेक्टेड है कि नहीं, कोई भी खाली बचा है, कोई भी खाली नहीं बचा तो फंक्शन है कि नहीं है, है? सिग्नेचर बना दिया। अब हम जांचते हैं कि क्या यह फंक्शन है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको। एक बात वो ये देखिएगा, पहला फंक्शन का दो शर्त वो ये, पहला शर्त ये कि कोई भी खाली रहना नहीं चाहिए। तो देखिए कि क्या कोई भी खाली है, नहीं है। इधर खाली हो नहीं हो इससे हमें अभी मतलब नहीं है, मतलब इस तरफ का है, कोई खाली है क्या, नहीं है। तो अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि यहाँ पर तो दो का एक बन रहा है, तो ध्यान दीजिएगा फंक्शन यह है, क्यों? क्योंकि दो का एक बने टेंशन नहीं है। लेकिन केस फोर अगर हम बनाए, सपोज इधर देखिएगा केस फोर बनाए, अगर हम केस फोर में इस तरीके का ए बी सी डी और इधर एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड टू भी है, इतना तरीके का हमने लिख दिया, यह इसके साथ है और यह इसके साथ है, फिर यह इसके साथ कनेक्टेड है, यह इसके साथ कनेक्टेड है और यह इसके साथ कनेक्टेड है। देखिए ये डबल वन के साथ कनेक्टेड है, ये चलेगा फंक्शन के लिए। दो सर पहला ये प्रत्येक इससे कनेक्टेड होनी चाहिए। देखिएगा ध्यान से, यह इसके साथ कनेक्टेड है, सबके साथ कनेक्टेड है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यह जो है ना इसके साथ डबल के साथ कनेक्टेड है। तो दूसरा शर्त यह कहता है दोस्त कि पहला मतलब एक ही एलिमेंट जो है ना सबके साथ कनेक्टेड हो चलेगा, लेकिन इसमें का ना दो से नहीं कनेक्टेड होना चाहिए, एक ही से कनेक्टेड होना चाहिए। हाँ ऐसा संभव है कि डबल वन के साथ कनेक्टेड हो, लेकिन ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि जो सिंगल है वो डबल के साथ कनेक्टेड हो। सेट बी के साथ डबल नहीं कनेक्टेड होना चाहिए, ओनली एंड ओनली वन। तो ये दो कंडीशन है। कंडीशन वन कहता है कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड एलिमेंट्स विद एन यूनिक सेट बी, फर्स्ट कंडीशन। दोस्त सेकंड कंडीशन कहता है कि एवरी एलिमेंट्स इन सेट ए
मस्ट बी कनेक्टेड विद वन एलिमेंट विद ऑन एलिमेंट विद वन एलिमेंट ओनली बी, एक ही के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो आपको शायद उम्मीद है मेरा कि आप लोग को ये फंक्शन का क्लियर हो गया होगा कि क्लियरिटी के साथ मैंने यहाँ पर बताया है कि फंक्शन कब कहेंगे फंक्शन कब नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जानना जरूरी है। हमें भले ही हमें टॉपिक हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बट हमें फंक्शन जानना जरूरी है। अब देखिए फंक्शन तो हम जान गए, अब हम जानते हैं फंक्शन, आप समझ गए होंगे मुझे आशा है। अब अगला जो है ना प्रतिलोम फलन क्या है, हम ये भी देखेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हमारा तो चैप्टर है, तो पूरा डिटेल इस पर तो डिस्कस होगा ही होगा। पहले हम और भी कुछ बातें जान लें कि प्रतिलोम फलन क्या है, यानी अब हम जानेंगे कि यह प्रतिलोम फलन क्या है, इनवर्स फंक्शन क्या है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं। ये जो हमारा टॉपिक है, आप फलन तो समझ आ गया कि फलन क्या होता है, लेकिन अब हम ये समझना है ना कि प्रतिलोम फलन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, हम बताने जा रहे हैं आप प्रतिलोम फलन कब कहेंगे किसको कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सिंपल, किसी फलन का व्युत्क्रम प्रतिलोम फलन कहलाता है। लेकिन देखिएगा इसमें भी कुछ शर्त होता है दोस्त, वो ध्यान देने, शर्त बहुत जरूरी, कंडीशन बहुत जरूरी, कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। अब हम ना एक बात बताने जा रहे हैं आपको एक एग्जांपल थ्रू, जैसे एफएक्स बराबर अगर हम वाई लिखा और कुछ यहाँ पर डिफाइन कर दिया एक नियम इस तरीके का। अब ना हमने नियम डिफाइन किया, इसका मतलब क्या है, इसके बराबर है ना, यानी एफएक्स इज इक्वल टू वाई है ना। अब देखिए एक्स की अगर हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखें, यानी सपोज एक्स वन रखा तो हमें वाई क्या मिलेगा दोस्त, देखिए 2 1 2 3, x 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा y 2 2 जा 4 1 5, अगर हमने x 3 रखा तो y हमें क्या मिला 2 2 जा 4 3 2 3 जा 6 plus 1 is equal to 7 मिलेगा ना। इसी तरीके से अगर हम x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो y के हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, तो अगर हम इसको सेट थ्रू समझें तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमने 1 रखा 2 रखा 3 रखा और तो देखिएगा हमें मिला 3, 1 रखा तो 3 5 और फिर 7, हम बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा हम प्रतिलोम फलन पा रहे हैं। तो ऐसे में ये सपोज जिसके साथ फुलफिल है मतलब एफएक्स नियम के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो 1 3 के साथ कनेक्टेड है और ये 2 5 के साथ कनेक्टेड है, ये 3 7 के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब हमें यह जानना है, ये तो हमारा एक बेसिक सब फलन है या एक फलन है, देखिएगा यह जो है ना एक फंक्शन है, यह जो हमने अभी बनाया है एक फंक्शन है, लेकिन हमें जानना क्या है दोस्त, प्रतिलोम फलन। ठीक है, तो हम अब जानते हैं कि प्रतिलोम फलन क्या कहेंगे। देखिए प्रतिलोम फलन का मतलब होता है कि अगर हमने x 1 रखा तो y हमें 3 मिला, तो क्या कोई ऐसा हम नियम डिफाइन कर सकते हैं कि 3 रखने पर 1 मिले, बस यही तो है प्रतिलोम फलन, यानी कि ये रखने पर ये मिल रहा है, तो क्या ऐसा कोई नियम संभव है जो ये रखने पर ये मिले। तो सिंपल, 1 रखने पर 3 मिल रहा है, तो ऐसा संभव है कि नहीं है कि 3 रखने पर 1 मिले, तो यह इसका फलन है और यह इसका प्रतिलोम फलन है, तो सिंपल यही होता है। तो अब हम इसके लिए थोड़ा देख लेते हैं कि क्या प्रतिलोम फलन संभव है कि नहीं। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, प्रतिलोम फलन को आप पढ़े होंगे चैप्टर 1 में या फिर हमने क्लास 11th में पढ़ाया था कि प्रतिलोम फलन को F इनवर्स x से डिनोट करते हैं, और ये जो होगा ना y माइनस 1 बाई 2 के बराबर होगा, और ये कैसे निकाला जाता है वो क्लास 11th में हमें जाना होगा। अब देखिएगा यहाँ पर y की वैल्यू देखिए 3 अगर रखिएगा तो देखिए 3 माइनस 1 बाई 2 तो ये 2 बाई 2 होगा, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 1, तो x 1 है क्या ना, तो इसका मतलब यह इसका क्या है प्रतिलोम फलन है। तो फलन क्लियर हो गया, प्रतिलोम फलन क्लियर हो गया। अब देखिए प्रतिलोम फलन सभी फलनों का संभव नहीं होता है, कहने का मतलब क्या है, हमने फलन देखा था ना, ये फलन जैसे ए बी सी डी है और इस तरीके का ई एफ जी एच है, तो या इसके साथ कनेक्टेड हो या इसके साथ कनेक्टेड हो या इसके साथ या इसके साथ, तो फलन का डिफिनेशन क्या था कि प्रत्येक एलिमेंट ऑफ सेट ए विद कनेक्टेड इसके साथ मतलब कनेक्टेड होना चाहिए, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके किसी ना तो किसी एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये था कि इसका डबल यानी कि इसका वन अलग डबल से इधर कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, कहने का मीनिंग क्या है, कहना चाह रही है कि यह इसके साथ ऐसे कनेक्टेड नहीं था तो ये फलन वैलिड हो जाता है, फलन नहीं होता है। लेकिन ऐसे भी यह फलन का डिफिनेशन है। अब हमें जानना है कि प्रतिलोम फलन किस किस फलनों का निकलता है,
तो प्रतिलोम फलन उन्हीं फलनों का निकलता है, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रतिलोम फलन उन्हीं फलनों का निकलता है जो जो किसी एक के साथ कनेक्टेड हो। कहने का मतलब है ना, इसके साथ एक कनेक्टेड हो, इसके साथ एक कनेक्टेड हो और इसके साथ एक कनेक्टेड हो, सभी के एक एक कनेक्टेड होना चाहिए, डबल कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में इस फलन का प्रतिलोम फलन निकालना संभव नहीं है, परंतु इस फलन का प्रतिलोम संभव है जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था। तो अब यानी इसका मतलब हुआ कि प्रतिलोम फलन के लिए भी कंडीशन होता है। तो प्रतिलोम फलन के लिए कंडीशन क्या क्या होता है, तो देखिएगा प्रतिलोम फलन के लिए जो कंडीशन होता है, जो शर्त होता है, वो पहला शर्त ये कि जो फलन होना चाहिए एकाएकी फलन होना चाहिए, पहला कंडीशन तो ये बोलता है। दूसरा कंडीशन बोलता है कि फलन जो होना चाहिए अच्छा डन फलन होना चाहिए, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम वन मन फंक्शन बोलते हैं और इसको हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं एकाएकी फलन और इसको अच्छा डन फलन। यानी कि किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन तभी संभव है जब वह फलन एकाएकी फलन हो और वह अच्छादन फलन हो। अब सवाल यह है कि एकाएकी फलन क्या होता है और ये अच्छादन फलन क्या होता है। तो देखिए एकाएकी फलन उस फलन को कहते हैं, सपोज यहाँ पर यह सेट ए है और ये किसी रूल के अनुसार इसके सेट बी से जुड़ा हुआ है, बी सी डी और एक्स वाई जेड डब्ल्यू इस तरीके का लिखा गया है। अब ऐसा है कि यह इसके साथ कनेक्टेड है या इसके साथ कनेक्टेड है या इसके साथ कनेक्टेड है। अब हुआ ये कहने का मतलब है, हम जान रहे हैं अब एकाकी फलन किसको कहते हैं, तो एकाकी फलन हम उसे कहते हैं कि इसमें का जो अलग अलग वैल्यू रखने पर इसमें अलग अलग वैल्यू मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हमने ए रखा तो एक्स भी मिला, ए रखा तो वाई भी मिला, ऐसा कभी भी संभव नहीं होना चाहिए। एकाकी फलन का मतलब है कि हमने ए रखा तो कुछ अलग मिलना चाहिए, बी रखा तो कुछ अलग मिलना चाहिए, सी रखा तो कुछ अलग मिलना चाहिए, ठीक है, तो उस फलन को हम एकाएकी फलन कहते हैं। और सवाल यह है कि अच्छादन फलन क्या होता है, तो अच्छादन फलन हम उस फलन को कहते हैं जब अच्छादन फलन, अब सवाल है कि अच्छादन फलन हम किसको कहेंगे, तो अच्छादन फलन हम उस फलन को कहेंगे जैसे मान लीजिए एक तरीके का सेट ए है और ये सेट बी है, सेट ए है और ये सेट बी है, यह भी किसी किसी रूल के अनुसार जुड़ा हुआ है। इसमें लेट बी सपोज कुछ एलिमेंट्स रखा गया है इस तरीके का, इधर एफ जी एच आई जे इस तरीके का एलिमेंट्स रखे गए हैं। तो ऐसे में अब हम कब कहेंगे कि आच्छादन फलन है अथवा नहीं है, तो हम आच्छादन फलन तब कहेंगे जब इफ का यानी कि इसका प्रत्येक सदस्य यानी कि बी का प्रत्येक सदस्य जो है ना वह किसी न किसी हम क्या कहेंगे ध्यान समझिएगा फलन ऑन टू कहलाता है। कोई भी फलन ऑन टू कहलाता है यदि B का ध्यान दीजिएगा किसका B का प्रत्येक सदस्य किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, यानी कि जो इसमें जितने भी लिखा गया है ना सपोज F G H I तो या किसी न तो किसी का यह इमेज होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, बात समझ आया, यानी किसी न किसी वैल्यू को रखने पर किसी न किसी रूप में मिलना चाहिए, यानी इसका प्रत्येक यानी कि सदस्य जो बी है ना इसका प्रत्येक अवयव किसी न किसी का प्रतिबिंब हो, ऐसे में उस फलन को आच्छादन फलन कहते हैं। तो ये आच्छादन फलन है, असल आच्छादन फलन कौन नहीं है भाई, तो देख लीजिए ये भी सपोज ये आपका ए है सेट ए है और ये सेट बी है और ये भी नियम के अनुसार कनेक्टेड है, सपोज ए है इसने हमने लिख दिया एक्स वाई जेड जो भी लिखना है कोई दिक्कत नहीं है, सपोज एक्स वाई जेड डब्ल्यू हमने लिख दिया, चार एलिमेंट्स रख दिया और इसमें सपोज हमने रख दिया अल्फा बीटा गामा और लैम्डा, ठीक है। अब हुआ ये का मतलब क्या है, एक्स अल्फा के साथ कनेक्टेड है सपोज, और जो सपोज हम मान लेते हैं कि जो जेड है ना वो इसके साथ कनेक्टेड है और ये इसके साथ कनेक्टेड है इसके साथ, अब बताइए क्या, पहला तो ये बात तो क्लियर है कि ये फलन तो है नहीं। अब जब फलन ही नहीं है तो क्या यह प्रतिलोम फलन संभव है, नहीं है, तो ये तो बात समझ आ गया कि जब फलन नहीं है तो प्रतिलोम फलन होगा नहीं, तो इतना तो क्लियर है ना। और इतना बात मुझे आशा है आप सभी को इतना बात समझ आ गया होगा कि मेन जो पॉइंट है ना आप समझिएगा, मेन पॉइंट
मेन पॉइंट ये है कि किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन तभी निकलता है जब वह फलन एकाकी फलन और आच्छादन फलन हो। अगर वो फलन एकाकी फलन और आच्छादन फलन नहीं है तो कभी भी किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन निकालना संभव नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, लेकिन हम बता रहे हैं कि कल जानेंगे क्या, कल जानेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, फिर जानेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है। तो जाना नहीं है दूसरे टाइम, मेरे टाइम पर यानी कि वीडियो में 4 बजे से 5 बजे के बीच में अपलोड कर दूंगा, तो आपको कहीं पर जाना नहीं है, देखना है। और हाँ, दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरे साथ बने रहना चाहते हैं। तो इसी तरीके का मैं बताते रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।